हेलो गाइस, मेरा नाम है टेक। आप देख रहे हैं टेक टॉक्स और आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन 1+8 एंड 1+8 प्रो। इज इट वर्थ अपग्रेडिंग 1+8 प्रो? मतलब आपको 1+8 के ऊपर 1+8 प्रो खरीदना चाहिए या नहीं? पहले तो गाइस मैं बेसिक हाईलाइट फीचर्स बता देता हूँ। दोनों में ही आपको 12 GB RAM, 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। और जो 1+8 की डिस्प्ले है वो है 6.55 इंच की डिस्प्ले, और जो 1+8 प्रो की है वो है 6.78 इंच की डिस्प्ले। दोनों में ही आपको ट्रिपल कैमरा मिलेंगे, लेकिन 1+8 में आपको 48 MP, 2 MP एंड 16 MP और 16 MP का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा, एंड 48 MP, 8 MP एंड 5 MP का रियर कैमरा, एंड 16 MP का फ्रंट कैमरा। दोनों ही लगभग लगभग सेम है। बस एक कैमरा में 1+8 प्रो में अपग्रेड है जो है 5 to 8, एंड दोनों की ही जो बैटरी है, 1+8 की बैटरी है 4300 mAh की, और 1+8 प्रो की बैटरी है 4510 mAh की बैटरी। और बाकी दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, क्वालकॉम का 865 लेटेस्ट प्रोसेसर है, वो ही है। दोनों में ही अडोनो 650 है। और बाकी दोनों में ही आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज है 1+8 प्रो का। जी हाँ, 1+8 प्रो में सिर्फ 4G है, 5G नहीं है। और जो 1+8 है उसमें 4G और 5G दोनों है। तो अगर आपको 5G चाहिए तो आप 1+8 लें, अगर आपको 5G से कोई मतलब नहीं है, आपको लेटेस्ट फोन लेना है, तो आप 1+8 प्रो लें। और बाकी जो इनका एंड्रॉयड वर्जन है, तो 1+8 चलता है Android Pie 10 पे, और 1+8 प्रो चलता है Android 10 पे। और जो 1+8 की स्क्रीन रेवोल्यूशन है वो है 2400x1080 pixels, और जो बाकी 1+8 प्रो की पिक्सल्स है, मतलब रेजोल्यूशन है, वो है Full HD+ 3168x1440 pixels। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलेगा, और जो 1+8 है उसमें NFC अवेलेबल नहीं है, और जबकि 1+8 प्रो में NFC अवेलेबल है। दोनों ही सेम कलर में अवेलेबल है। दोनों में ही आपको 8 और 12 GB RAM वाला मॉडल भी मिल जाएगा, तो आपको कौन सा लेना है लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको 5G इम्पोर्टेंट है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो आप 1+8 लीजिए। बाकी अगर आपको 5G इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको लेटेस्ट पे जाना चाहिए जो है 1+8 प्रो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे थे टेक टॉक्स और मेरा नाम था टेक। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।